नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल पे आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम बताएंगे ट्रिपल सी में जो आज क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जो हमारे भाई बहनों ने बताया, जैसे रजनीश और शालिनी और मुकेश का हम शुक्रिया करना चाहेंगे जो उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमारे मोबाइल नंबर पे सेंड किया है, जो हमारे स्टूडेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए वो क्या क्या क्वेश्चन थे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वो क्या क्या क्वेश्चन जो ट्रिपल सी में पूछे गए हैं दोस्तों, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन जो आज के डेट में पूछे गए हैं दोस्तों, आधार सीडिंग क्या होता है। तो आधार सीडिंग होता है दोस्तों, जो बैंक के खाता से आधार जोड़ना, मतलब कि आधार सीडिंग का काम क्या होता है, जो बैंक के खाता को क्या करता है, वो आधार से लिंक करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आधार सीडिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आज में। थ्री डी को बनाते समय हम लोग को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, थ्री डी मतलब कि थ्री डी डायग्राम अगर हम बनाते हैं, मतलब थर्ड डायमेंशनल को बनाते समय हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, साइज का। तो साइज का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों, कि अगर 3D अगर कोई पिक्चर आपको बनाना है तो उसमें हमको साइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो साइज का ज्ञान होना आवश्यक है। तो फेसबुक हैंडबुक के आधार पर प्रोजेक्ट कैसा बड़ा डाटा संग्रहित करता है, मतलब जो फेसबुक हैंडबुक पर आधारित है वो प्रोजेक्ट प्रिज्म को ही क्या करता है, बड़ा डाटा संग्रहित करता है। दोस्तों इंटरनेट के फाउंडर कौन है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अर्परा, तो इंटरनेट के अर्परा ही क्या है, फाउंडेटर। तो ये सबसे पहला कंप्यूटर, सबसे पहला इंटरनेट जो था हमारा अर्परा ही था दोस्तों, जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। यदि एक शॉपकीपर, देखिए एक तो पूछा था दोस्तों, यदि एक शॉप कोई शॉपकीपर है दोस्तों, वो किसी दूसरे शॉपकीपर से अगर वस्तु खरीदे, जैसे कि हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या तो मान लेते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मारुति हम बना रहे हैं, अगर हम किसी से टायर खरीदते हैं तो वो जो कहलाता है, मतलब कि शॉपकीपर से किसी दूसरे शॉपकीपर से वस्तु खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। अगर कोई शॉपकीपर किसी दूसरे शॉपकीपर से कोई वस्तु खरीदता है तो वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। यदि कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर को, यदि कोई कस्टमर किसी शॉपकीपर से कोई वस्तु खरीदता है तो वो C2B कहलाता है, मतलब कस्टमर टू बिजनेस, या तो शॉपकीपर से खरीदता है तो C2C कहलाता है, अर्थात कस्टमर टू कस्टमर कहलाता है। ये तो इस समय दोस्तों B2B, C2C या तो G2G, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हम बता रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, यदि कोई शॉपकीपर किसी दूसरे शॉपकीपर से खरीदता है तो B2B कहलाता है, यदि कोई शॉपकीपर किसी कस्टमर को बेचता है तो B2C कहलाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। देखिए क्या है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है दोस्तों। IMPS का फुल फॉर्म, या तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये बहुत ही सिंपल इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि आई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरमीडिएट होता है दोस्तों, ठीक है। फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड बना सकते हैं दोस्तों, तो फेसबुक के देखो अधिकतम फ्रेंड तो इसमें 500 बना सकते हैं ऐसा माना गया है, लेकिन हम बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हैं। आप देखते हैं इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, इसमें नो लिमिट रहेगा दोस्तों। उन्होंने बताया कि 500 लगा, तो इसमें क्या रहता है, नो लिमिट होता है दोस्तों, क्योंकि फेसबुक से हम अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं, अधिकतम बहुत सारे आप देख रहे हैं कि जिनके 500, 600, 1000, 10000 फेसबुक फ्रेंड है। तो पहले में ये होता था कि एक लिस्ट तैयार की, जब शुरू शुरू में फेसबुक बना था तो उसमें 500 से अधिक फ्रेंड नहीं बना सकते। एक एक क्या है, फेसबुक एक सोशल, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि फेसबुक किस प्रकार की साइट है, तो सोशल मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों। दूसरा आता है कि वे वेबसाइट जो मित्रों संबंधियों के साथ बनाती है, मतलब जो मित्र और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग कहलाती है दोस्तों। जो मतलब कि जो वेबसाइट केवल मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है, जैसे मित्र और उनके दोस्त भाई बहन, या जो हमारे रिलेटिव होते हैं, अगर उनके साथ जो नेटवर्क बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। एक सॉफ्टवेयर मतलब रोबोट क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट है, मतलब क्या है, एक वर्चुअल वर्कर के समान कार्य करता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर रोबोट, मतलब एक सॉफ्टवेयर जो होता है रोबोट किस प्रकार का कार्य करता है, एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है, मतलब वर्चुअल वर्कर जो हम ऑर्डर देंगे वो वही कार्य करता है रोबोट जो दोस्तों। देखिए लिब्रा ऑफिस में पूछा, जो कि हमने पढ़ा है, लिब्रा ऑफिस के राइटर में हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या है दोस्तों। अगर आप अपने हमारा जो हमने वीडियो बनाया है कल का बनाया है, मतलब राइटर का जो बनाया है, इंप्रेस का बनाया है, और आपका राइट मतलब कि राइटर तो बना, अगर उन सारे वीडियो में देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं शॉर्ट की, मतलब हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस
कंट्रोल प्लस के होता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस क्या होता है के शॉर्ट की होता है, आपने देखा तो उसमें हमने बहुत सारे शॉर्ट की बताए थे जो इस समय बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। क्यूआर कोड देखिए, कल भी मतलब कि जैसे कि हमने बताया कि जो कल था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था क्यूआर कोड में, तो आज भी क्यूआर कोड क्या होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन सभी वर्क में होता है, मतलब जितने भी ऑनलाइन कार्य होते हैं उनमें सारे क्यूआर कोड का उपयोग होता है दोस्तों, तो क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। लिब्रा ऑफिस में कल का अधिकतम कॉलम जो है एएमजी है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया एएमजी 1024 जो होता है लास्ट में एएमजी होता है दोस्तों। तो एटीएम डेबिट कार्ड पर देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या 16 अंकों की होती है दोस्तों, कितनी होती है डेबिट कार्ड पे मुद्रित लिखेंगे 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16 अंकों की होती है, लेकिन आधार कार्ड पे जो होता है उस पे कितनी मुद्रित संख्या होती है तो 12 होती है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है आधार कार्ड पे कितना होता है तो 12 होता है, लेकिन अगर बैंक में एटीएम जो कार्ड होता है उस पे देखेंगे आप कोड जो मुद्रित संख्या होती है वो 16 डिजिट की होती है दोस्तों। ये बहुत बार बार क्वेश्चन डीआरडीओ ने द्वारा बनाया गया है सबसे पहले, मतलब जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा दोस्तों, पेस है। जो डीआरडीओ हमारा एक रक्षा विभाग है उसके द्वारा जो पहला मतलब जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया दोस्तों, तो उसका नाम क्या है, पेस है दोस्तों। तो आते हैं जो व्यक्ति प्रोग्राम लिखता और बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति प्रोग्राम लिखता है और बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। एक वर्क बुक में अधिकतम 255 सीट जोड़ी जा सकती है, मतलब जो एक्सेल है दोस्तों अगर हमने खोला तो जैसे कि हमने बता रहे हैं कि जो कल्प होता है अगर आप ओपन करते तो उसमें डिफॉल्ट 2 वर्क सीट होती है, लेकिन हम कितना जोड़ सकते हैं 255 वर्क सीट जोड़ सकते हैं, जिसपे हम कार करते हैं दोस्तों तो उसमें 255 वर्क सीट जोड़ सकते हैं। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी करते हैं, हमने मेमोरी का भी दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, अगर उसमें आप देखते हैं तो उसमें कोई भी मेमोरी से अगर कोई वीडियो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आपको मैं गारंटी ले रहा हूं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाता, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेन मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, सारी चीज के बारे में हमने अच्छा किया। तो मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक भी मेमोरी कहते हैं दोस्तों। फिर क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो उसका क्या मुख्य बिंदु ऑब्जेक्ट होता है। अगर समस्त डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है वो कहां पे जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है। कोई भी डाटा अगर दोस्तों अगर आप डिलीट करते हैं तो वो आप देखते हैं कोई इमेज हो या कुछ आपने डिलीट कर दिया, कोई भी इमेज फोटो अगर सॉन्ग कुछ भी अगर डिलीट करते हैं या कोई आपने फाइल बनाया और उसको आपने डिलीट कर दिया तो वो रिसाइकल बिन जाता है। जो आप एक देखेंगे बाल्टी की नुमा, अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे तो एक बाल्टी की नुमा रहता है दोस्तों, तो वो उसी में जाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं दोस्तों, तो अगर परमानेंटली डिलीट करना है दोस्तों, जैसे कि बहुत अगर हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन में जाइए और रिसाइकल बिन से अगर आप डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाए। अगर लेकिन सोचते हैं कि हम वहीं पर रहकर डिलीट करते, तो शिफ्ट के साथ प्रेस करके अगर कोई भी डाटा डिलीट किया जाए, मतलब अगर जो आपके कीबोर्ड में दोस्तों शिफ्ट बटन होता है, अगर शिफ्ट कुंजी को आप प्रेस करेंगे और उसके साथ कोई शिफ्ट कुंजी को प्रेस रखिए और उसके बाद अगर आप डिलीट करते हैं डेटा को तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है दोस्तों। फिर कह रहे हैं कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस होती है दोस्तों उसको हार्ड डिस्क कहते हैं दोस्तों। जो आप देखते हैं चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर कोई भी है, जो उसके अंदर जो सेव होता है वो हार्ड डिस्क होता है, वो जो रैम होता है दोस्तों, जो 4GB, 4GB, 8GB होता है वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। लेकिन जहां पे आप डेटा सेव करते हो कोई भी डेटा सेव होता है वो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। क्यूआर कोड एक प्रकार का बार कोड होता है दोस्तों, क्यूआर कोड क्या है दोस्तों, एक प्रकार का बार कोड है। तो ये कुछ दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने बताया कि इस टाइप के आज के जो अभी अभी पेपर हुआ है दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो हमने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ है दोस्तों। यदि इन क्वेश्चन को तो हम कहेंगे निश्चित प्रतिक्रिया, क्योंकि इस समय ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, देख रहे हैं 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। और हमने CCC के लगभग जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हमने इसके पहले इंप्रेस का, कल का और आपके राइटर का वीडियो बनाया, प्लस हमने
आपके प्रिंटर के बारे में बताया है, मेमोरी के बारे में बताया है, मतलब पीढ़ी के बारे में जो पूछता है कि कौन सी पीढ़ी में आईसी का आविष्कार हुआ, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने बताया। एक बार हम तो कहेंगे उस वीडियो को देखिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं उनमें से आपको लगभग लगभग कन्फर्म है, जो इस समय बी टू बी इससे रिलेटेड नहीं लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग आपके फंस सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कमेंट बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन अभी और मिलता तो पार्ट 2 हम जरूर बनाएंगे दोस्तों। नमस्कार।